कि हमें पता चला है कि हमारे प्राचीन इतिहास में कुछ ऐसे पत्थरों के बारे में लिखा गया है जिनकी खोज अभी भी जारी है, और आप भी उन पर कई सालों से रिसर्च कर रहे या हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमारे प्राचीन इतिहास में ऐसे कई पत्थरों का उल्लेख किया गया है और इसके प्रमाण आपको कई जगह पर मिल जाएंगे, और ये तो जनरल है, ये बाकी सब लोगों को पता भी है। इससे पहले जो हमारा पॉडकास्ट हुआ था, उस पॉडकास्ट में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा था कि दुनिया में 8 ऐसे पत्थर हैं जिनका उल्लेख हमारे इतिहास में किया गया है और वो वास्तविक में इस धरती पर मौजूद है। क्या आपका भी यही मानना है? यू आर एब्सोल्युटली राइट। ऐसे 8 पत्थर सच में इस धरती पे मौजूद हैं, और उनमें से कईयों के बारे में आपको पता भी है। खास करके 8वें नंबर का जो पत्थर है वो पारस, उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मतलब अवेलेबल है। और इतना ही नहीं, हिंदुइज्म और बौद्धिज्म में भी आपको इसके बहुत सारे प्रमाण मिल जाएंगे। हाँ, उसका उल्लेख हमारे प्राचीन इतिहास में किया गया है, तो क्या आप भी उसी की खोज में हैं? नो, मैं तो द 9th के खोज। चल भाई, मिलते हैं ऑफिस में। Please try again. Please try again. Thank you. हेलो, सॉरी सर। हाँ सर, हाँ मैं अभी सारे डॉक्यूमेंट्स मेल करती हूँ। क्या है ये? एक फाइल मेल ढंग से नहीं कर सकते हैं? पर मैंने सारी फाइल तो मेल की। अच्छा सर, आके चेक तो करो जरा, आपने कौन सी फाइल मेल की है? सर मैंने ओरिजिनल फाइल तो मेल की। तुम मेरे कैबिन में आ जरा। सॉरी सॉरी सॉरी। Listen, today's meeting is cancelled, so please continue with your work, okay? चल भाई, मिलते हैं ऑफिस में। Please try again. Please try again. Thank you. Hello. Sorry sir. Ha sir.
सुनना, तुझे पता है क्या, आज सरकमल कितना खराब है। हाँ देखा मैंने, सरकमल आज बहुत खराब। अगर इनमें से किसी ने अपना वर्क सबमिट नहीं किया होगा ना, तो इनके गुस्से से इनको कोई नहीं बचा सकता। हाँ वो तो है, पर मैंने अपना पूरा वर्क पहले ही सबमिट कर दिया है। पर ये देखने में मजा आएगा कि सर किस पे चिल्लाते हैं। देखते हैं ना। हाँ वो तो है। आके चेक तो करो जरा, आपने कौन सी फाइल मेल की है। सर मैंने ओरिजिनल फाइल तो मेल किया था। तुम मेरे कैबिन में आओ जरा। Listen, today's meeting is cancelled, so please continue with your work, okay? और सब कैसा है? चल भाई मिलते हैं ऑफिस में। Please try again. Please try. Thank you. Sorry, sir.
जाते हैं। देखते हैं ना। हाँ वो तो है। रुशिके, क्या है ये? की है? मैंने उड़ते फाइल तो मेरे को। तुम मेरे कैबिन में आ जाना। Today's meeting is cancelled, so please continue with your work, okay? द नाइन्थ मतलब नौ की तलाश है आपको? नहीं, मुझे नौ की नहीं, द नाइन्थ की तलाश है। अभी तक हमारे इतिहास में सिर्फ आठ ही जो प्राचीन पत्थर है उसके बारे में पता चला है, लेकिन जहाँ तक मेरे रिसर्च गई है मुझे एक और पत्थर के बारे में पता चला है जिसका कोई उल्लेख हमारे इतिहास में मौजूद नहीं है, ना ही उसका कोई प्रमाण है। तो आपको इसके बारे में कैसे पता जबकि इसका उल्लेख इतिहास में भी नहीं है? हमारे दर्शक भी उस द नाइन्थ के बारे में जानना चाहेंगे, क्या आप हमें आपके रिसर्च के बारे में बताएंगे? देखिए, मैं दावा तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि उस पत्थर का इंसान पर असर होता है। इंसानों पर असर से आपका क्या मतलब है? क्या उसका इंसानों पर बुरा असर पड़ता है? हो सकता है। जहाँ तक मुझे पता है द नाइन्थ ये पत्थर एक टाइम लूप में इंसान को फंसा देता है। कोई भी इंसान अगर उस दिन में या किसी भी एक दिन में उसको अगर छू लेता है तो वो एक दिन उसके लिए कभी खत्म नहीं होता। जी, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो पत्थर दिखने में कैसा है? कुछ ऐसे पेशेंट है जिनकी दिमागी हालत कैसे खराब हुई, उसका क्या इलाज है और उनका कैसा इलाज किया जाए, ये मैं पता लगा रहा हूँ, क्योंकि आज तक उनका इलाज कोई भी साइकोलॉजिस्ट पता नहीं लगा पाया। तो जैसे आपने बताया था उस पत्थर के असर के बारे में, तो इंसान भी एक बीमारी का शिकार हो सकता है, ना कि उस पत्थर का। आपको सच में लगता है कि एक बीमारी है, ना कि द नाइन्थ की वजह से हुआ है? मैं तो एक्चुअली नाइन्थ को एक तिलस्म कहूँगा। आपके जितने भी सवालों के जवाब है वो आपको तभी मिल सकते हैं जब आपको नाइन्थ के बारे में डॉक्यूमेंट मिलेंगे। जब तक आपको डॉक्यूमेंट वो पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप तो नाइन्थ को कभी समझ ही नहीं पाओगे। कि आप मेरी मदद करोगे, क्योंकि जो निशान आपने मुझे दिखाया था वैसा ही एक निशान मेरे पेशेंट की गर्दन के ऊपर मौजूद है।
लेकिन आप मेरी मदद किस तरह और कैसे कर सकते हो?